अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शबीर अहमद सानी और आप देख रहे हैं सानी फैक्ट ट्रिक्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी लफ्ज को 10 से 15 बार दोहराएंगे तो आपको कुछ सेकंड्स के लिए उस लफ्ज का मतलब भूल जाएगा। यकीन नहीं होता तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप किसी भी लफ्ज को ले लें, जैसा कि मान लीजिए फ्लावर को। अगर आप फ्लावर को 10 से 15 बार दोहराएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए इसका मतलब भूल जाएगा। लेकिन ये होता क्यों है? हमने तो हमेशा से इस बात को सुन रखा है कि अगर आप किसी भी बात को जितना दोहराओगे वो आपको उतना ही याद होगी। मगर किसी भी लफ्ज को दोहराने से वो याद होने की बजाय उसका मतलब हमें क्यों भूल जाता है? आखिर इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? दोस्तों, साइंस की जुबान में दिमाग की इस कंडीशन को सिमेंटिक सिचुएशन कहते हैं। जब कोई इंसान इस कंडीशन को पहली बार एक्सपीरियंस करता है तो उसे यही लगता है कि शायद उसके दिमाग की मेमोरी में कोई प्रॉब्लम आ गई है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक नॉर्मल फिनोमेनन है। सिमेंटिक सिचुएशन को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहूंगा। जब भी आप किसी फूल की या फिर किसी भी परफ्यूम की खुशबू को पहली बार सूंघते हैं तो वो आपको बड़ी दिलकश और महकदार लगती है। लेकिन जब आप एक ही खुशबू को लगातार 10 मिनट तक सूंघते रहते हैं तो वो खुशबू खत्म हो जाती है और उसका असर कम हो जाता है। साइंसदानों के मुताबिक ये इसलिए होता है कि जब हमारा दिमाग नाक की मदद से उस खुशबू को पहली बार महसूस करता है तो वो उसके लिए पहला एक्सपीरियंस होता है, लेकिन बार बार सूंघने से वो उसका आदी हो जाता है। इसीलिए वो उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि हमारा दिमाग उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर चुका होता है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए सिमेंटिक सिचुएशन को साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं। सन 1962 में हवाई के कॉलेज ऑफ सोशल साइंस के साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर जिनका नाम लियोन जेम्स था, उन्होंने ये बात पेश की कि जब भी हम कोई अल्फाज या जुमला बोलते हैं तो वो हमारे दिमाग की एनर्जी को कंज्यूम करता है। जब हम पहली बार किसी भी वर्ड को बोलते हैं तो वो कम एनर्जी को यूज करता है, जब हम दूसरी बार उसे बोलते हैं तो वो पहले से ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है, और जब हम तीसरी बार उस लफ्ज को बोलते हैं तो वो दूसरे से ज्यादा एनर्जी को यूज करता है, और सो ऑन। जितनी बार हम किसी भी लफ्ज को बोलेंगे वो पहले से ज्यादा एनर्जी को यूज करेगा, जब तक कि हम उस वर्ड को बोलते वक्त थोड़ा सा ब्रेक ना ले लें। जब हमारा दिमाग इस सिचुएशन को देखता है तो वो समझ जाता है कि इस वर्ड पर एनर्जी खर्च करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये एक आम सा लफ्ज है जिसका मतलब मुझे पहले से मालूम है। यही वजह है कि हमारा दिमाग इस वर्ड पर फोकस करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमें उसका मतलब भूल जाता है और याद नहीं रहता। अब यहाँ पर एक और बात भी पेश की जाती है कि तकरीबन हर लफ्ज ही रिपीट होने के बाद अपना मतलब खो सकता है, मगर कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें बहुत ज्यादा बार भी रिपीट किया जाए तब भी उनका मतलब हमें नहीं भूलता। जैसे कि आप एक्सप्लोजन लफ्ज को ही ले ले, एक्सप्लोजन धमाके को कहते हैं। अगर आप एक्सप्लोजन को 10 से 12 बार बोलें और डॉग को 10 से 12 बार बोलें तो आपको डॉग का मतलब जल्द भूल जाएगा, क्योंकि डॉग्स को हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते रहते हैं। मगर एक एक्सप्लोजन यानी धमाका हमें कभी कभार ही सुनने को मिलता है। यही वजह है कि हमें हमारे नाम का मतलब भी जल्द भूल जाता है, क्योंकि हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते ही रहते हैं। लेकिन ऐसे अल्फाज जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं सुनते उनका मतलब हमें ज्यादा बार रिपीट करने से भी नहीं भूलता। इसी के साथ साथ हमारी आज की शॉर्ट सी वीडियो का हुआ एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मजीद ऐसी मालूमती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।